जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए करीब 1.5 साल बाद पूरे राज्य में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है। प्रमुख सचिव रोहित कसल ने शुक्रवार शाम ये जानकारी दी। बताया जा रहा है कि छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद 5 अगस्त 2019 से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। हालांकि पिछले साल 25 जनवरी को 2G सेवा बहाल कर दी गई थी। सामान्य जनजीवन को पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए अब 4G इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बहाल कर दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी पीएम मोदी से जम्मू कश्मीर में 4G सेवा शुरू करने की अपील की थी। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले साल जम्मू कश्मीर के कम संवेदनशील इलाकों में ट्रायल बेसिस पर 4G सेवा बहाल की गई थी। इसके बाद अब पूरे राज्य में ये सेवा बहाल हो गई है। बता दें कि 6 मई 2020 को पुलवामा एनकाउंटर में हिजबुल के कमांडर रियाज नाइक के मारे जाने के बाद 2G इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। करीब हफ्ते भर बाद पुलवामा में इंटरनेट चालू हुआ था। आपको बता दें कि गृह विभाग की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, इसमें 4G सेवा बहाली का फैसला लिया। सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने शाम को आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 4G सेवाओं को जल्द बहाल करने की जानकारी दी। करीब 3 घंटे बाद गृह विभाग ने फिर औपचारिक आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा कि मोबाइल डाटा सेवा और फिक्स्ड लाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी पर जो रोक थी उसे हटा लिया गया है। प्रीपेड सिम धारकों को इंटरनेट मोबाइल सेवा संबंधित सुरक्षा नियमों व औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही प्रदान की जाएगी। जम्मू और कश्मीर संभागों के पुलिस महानिरीक्षकों को आदेश दिया है कि वे हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल होने के असर पर नजर रखें। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए 4G सेवा बहाल होने पर खुशी जताई है। अब्दुल्ला ने अपने अकाउंट पर लिखा है, 4G मुबारक। अगस्त 2019 के बाद पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल डेटा सर्विस बहाल हुई। देर आए दुरुस्त आए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 4G सेवा चालू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में बनी स्पेशल कमेटी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में खतरा है, अभी भी चरम पर है। इंटरनेट को लेकर जो पाबंदियां हैं उससे कोविड और शिक्षा के मामले में कोई व्यवधान नहीं हो रहा है। अभी जो स्थिति है उसमें हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल करना संभव नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.